पहचान किचन में आप सबका वेलकम। आज बनाएंगे रोहू फ्राई फिश। ज़्यादातर करी बनाते हैं लेकिन आज बनाएंगे फ्राई, और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची फ्राई है, टेस्ट बहुत अच्छा था। देखिए, इसको पहले हमने ले लिया है, उसको अच्छे से वॉश किया है, लेमन और सॉल्ट के साथ उसको वन स्टेप मैरिनेट करके रख दिया है, जिससे जो उसका स्मेल होगा वो निकल जाएगा, जो इसकी एक नहीं होती है स्टिकनेस सी वो निकल जाएगी। उसके बाद सारे पीसेस अलग कर दिए हैं। बहुत से लोग मस्टर्ड ऑयल लगा देते हैं। इसमें हमने लिया है तिल ली है, सौंफ लिया है, धनिया लिया है, पीनट्स लिया है, इसका पूरा पेस्ट बना लिया है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको कर दिया हमने। अब इससे हम अपनी फिश को मैरिनेट करेंगे। बेटर है कि आप इसको हाथ से लगाएं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें सेसमिन सीड है, मूंगफली है, पीनट जिसको कहते हैं, इसमें अदरक लहसुन है, इसमें हल्दी नमक मिर्चा है, ज़ीरा है, नमक तो ऑब्वियसली नमक है, और सौंफ है, थोड़ी सी खटाई है। ये सारे मसाले हैं इसमें, जिससे हम इसको अब अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। हाथ से ज़्यादा अच्छे से होता है, इसलिए हम इसको हाथ से कर रहे हैं। और इसको सरसों के तेल में फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे लेकिन क्रिस्पी फ्राई करेंगे, मैरिनेट हो जाएगा। वो भी हम आप इसमें मसाला लगा, फिर इसमें चाक्स दे देना है कट्स, जिससे ये जो मसाला है ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसमें आप कट्स दे दीजिए। इसको मैरिनेट 10 मिनट्स 15 मिनट्स काफ़ी हैं इसके लिए। करना है ये हो गया है। इस फिश वैसे भी जल्दी हो जाती है तो ये डन। इसको आप सैलड के साथ एंजॉय करें, कांटे इसमें बहुत कम होते हैं तो बच्चे भी खा सकते हैं, और इसको आप प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। बनने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत सिंपल होती है, बहुत क्विक बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।